नमस्ते रोहन, इन दिनों कहाँ थे तुम? नमस्ते अंकल, मैं जरा स्कूल के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त था, कृपया इसे रख लीजिए। ओह, तुम्हारे पिता की बड़ी मेहरबानी। मैं पैसों के बिना हेल्पलेस था, मुझे जल्द ही बिजली का बिल भरना था। आप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट की मदद से आसानी से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने में बहुत ही सुरक्षित और आसान है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, कृपया इसे विस्तार में समझाइए। सुनने में तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। जरूर रोहन, डिजिटल पेमेंट और ई पेमेंट डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के माध्यम से एक भुगतान खाते से दूसरे में पैसा ट्रांसफर करने का माध्यम है। इस माध्यम को कैश पेमेंट के मुताबिक बेहतर पेमेंट का तरीका माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है, और तो और केवल मोबाइल फोन, आधार नंबर या किसी कार्ड की जरूरत होती है। हम यूपीआई एप्स, यूएसएसडी या ई वॉलेट्स जैसे हमेशा चालू रहने वाले भुगतान के माध्यमों के जरिए कहीं भी कभी भी भुगतान आसानी से कर सकते हैं। सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान पर भारी मात्रा में छूट दी जा रही है। उदाहरण के लिए, 2000 रुपए तक का सेवा कर भुगतान डिजिटल मोड से करने पर पूरी छूट का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ईंधन पर 0.75% की छूट और सरकारी बीमा कंपनियों के बीमा प्रीमियम पर 10% छूट भी प्रदान की जाती है। डिजिटल भुगतान के तरीकों के बावजूद लेनदेन के विवरण का रिकॉर्ड स्वचालित तरीके से रखा जाएगा। डिजिटल भुगतान की बात करें तो इसमें लो रिस्क से नो रिस्क है। मोबाइल वॉलेट्स में भी लो रिस्क होता है अगर फोन को अनलॉक या खोलने के लिए पासवर्ड याद नहीं हो। कार्ड पिन के बिना काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही देर में कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। AEPS को हमारी उंगलियों के निशान की जरूरत होती है, इसलिए जेब में बहुत सारा पैसा रखने के खतरे से बच सकते हैं। चलिए अब हम डिजिटल भुगतान के महत्वपूर्ण तरीकों की चर्चा करते हैं, जो हैं कार्ड्स, POS, USSD, ई वॉलेट और AEPS। अब एक एक करके इन भुगतान तरीकों की सही जानकारी लेते हैं। कार्ड्स तीन तरह के होते हैं, जो कि आमतौर पे बैंक के द्वारा जारी होते हैं, प्रीपेड कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। प्रीपेड कार्ड्स का प्रयोग सीमित राशि को निकालने और मोबाइल रिचार्ज जैसे कामों में हो सकता है। ये ग्राहक के बैंक खाते से प्री लोड किए जाते हैं। डेबिट कार्ड्स बैंक खातों से जुड़े होते हैं। ये बैंक द्वारा चालू बचत और ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को जारी किए जाते हैं। ये कार्ड बैंक अकाउंट के मौजूदा सीमा के आधार पे कैश के विदड्रॉ और सामान की आमने सामने खरीदारी या फिर ऑनलाइन खरीदारी के उपयोग में आता है। इसका उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे को डोमेस्टिक यानी घरेलू फंड ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स के पास एक नकद अग्रिम विकल्प है, जो कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने की अनुमति देता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन लेने के सबसे महंगे तरीकों में से एक है, क्योंकि कार्ड धारकों को उच्च ब्याज दर पर पैसे वापस करने पड़ते हैं। वर्तमान में नकद अग्रिम यानी कैश एडवांसेस के लिए औसत ब्याज दर लगभग 24% है। निकाली गई राशि का लगभग 3-5% फीस के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। अधिकांश मामलों में कोई रियायती अवधि नहीं दी जाती है,
और जैसे ही नकद निकाला जाता है उस पर ब्याज शुल्क चार्ज किया जाता है। नकद निकासी हमेशा लगभग एक निर्धारित राशि तक सीमित होती है, जिसे कैश क्रेडिट सीमा कहा जाता है। रुपे कार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का हिंदुस्तानी रूप है। ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जैसे वीजा या मास्टर कार्ड जैसा ही होता है। मेरे पास ये कार्ड है, पर मुझे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में डालना होगा, फिर अपना 4 अंकों का निजी पिन दर्ज करें। आप पैसे निकालने के अलावा अपनी बकाया राशि भी डेबिट कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं। क्या हम इन कार्डों का उपयोग रिटेल शॉप पर भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। डेबिट कार्ड स्टोर के कैशियर को दीजिए। व्यापारी POS मशीन के द्वारा कार्ड को चलाता है और खरीदारी की राशि लिखता है, और फिर ग्राहक को कार्ड का पिन दर्ज करना होगा। खरीदारी की राशि उपयोगकर्ता के खाते से कट जाती है। व्यापारी छपी हुई रसीद की एक कॉपी पर उपभोक्ता का हस्ताक्षर करवा के अपने पास रखते हैं और दूसरी कॉपी उपभोक्ता को दे देते हैं। अंत में उपभोक्ता के ट्रांजैक्शन मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा पैसे कटने की जानकारी मिल जाती है। अब इस कार्ड के माध्यम से मैं बहुत आसानी से बिजली, पानी और टेलीफोन बिल का भुगतान कर सकता हूँ। हाँ जरूर, हवाई यात्रा या ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, रेस्टोरेंट्स में भुगतान करने के लिए, दुकानों पर या ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए, ATM से पैसे निकालने के अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप मुझे POS मशीन के बारे में विस्तार में जानकारी दे सकती हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन या POS एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि रिटेल लोकेशन पर कार्ड से भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। POS का काम है उपभोक्ता के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी लेना, उपभोक्ता के बैंक खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं ये देखना, उपभोक्ता के खाते से विक्रेता के खाते में राशि का ट्रांसफर करना, लेनदेन की जानकारी रखना और रसीद प्रिंट करना। मोबाइल आधारित POS बनाम MPOS एक फ्री पॉइंट ऑफ सेल और क्लाउड आधारित समाधान है, जिसमें स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग बिक्री बढ़ाने, इन्वेंट्री प्रबंधन करने और ग्राहक वफादारी के निर्माण के लिए किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन ड्राइव से खुदरा विक्रेताओं ने पारंपरिक कैश रजिस्टरों की बजाय MPOS का इस्तेमाल शुरू किया है, जो पूर्ण खुदरा प्रबंधन प्रदान करते हैं। MPOS क्रमशः उपभोक्ताओं और व्यापारियों को व्यक्तिगत और पारस्परिक लाभ प्रदान करते हैं। MPOS के माध्यम से दुकानदार दुकान में कहीं भी उपभोक्ताओं से पेमेंट ले सकते हैं। ग्राहक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से मोबाइल POS डिवाइस पर आसानी से भुगतान कर सकते हैं। दोनों व्यापारियों और ग्राहकों को लॉयल्टी प्रोग्राम से लाभ मिलता है, जो लगातार राशि भुगतान में एकीकृत होते हैं। जब हम डिजिटल कार्ड का उपयोग कर रहे हों, तो क्या हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, जब आप इन कार्ड्स का उपयोग कर रहे हों, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर ध्यान जरूर दें। अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के समय सुनिश्चित करें कि स्वागत यानी वेलकम किट अच्छी तरह से बंद हो। कार्ड के पीछे अपने हस्ताक्षर कर लें। अपने क्रेडिट कार्ड को ध्यान से रखें जैसे आप अपने पैसों को रखते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड खो देते हैं तो इसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करें।
हमेशा ध्यान रखें कि कार्ड आपकी नजरों के सामने स्वाइप किया जाए। इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो और तत्काल लेन देन अलर्ट को प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हो। अगर आपका एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो बैंक को इसकी जानकारी तुरंत दें। किसी अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजैक्शन के मामले में अपने कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें। वीजा के द्वारा इनेबल एक और सुरक्षा स्टार को वेरीफाई करने के लिए खुद को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए रजिस्टर करें। ट्रांजैक्शन पासवर्ड को जनरेट या बनाते वक्त क्या करें या क्या ना करें इसके बारे में जानते हैं। पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए और अधिकतम 16 अक्षरों का होना चाहिए। पासवर्ड के सफल निर्माण के लिए किसी भी संख्यात्मक अंकों और वर्णों का एक संयोजन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसमें कम से कम 3 संख्यात्मक अंक होने चाहिए या इसमें कम से कम 3 अपरकेस वर्ण या कैपिटल लेटर होने चाहिए या इसमें 2 संख्यात्मक अंक और 1 अपरकेस वर्णमाला यानी कैपिटल लेटर आदि होने चाहिए। पासवर्ड पुराने पासवर्ड या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के लॉगिन आईडी जैसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये पिछले 6 लगातार बदले गए पासवर्ड जैसा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड में विशेष वर्ण या स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस नहीं होना चाहिए। इसमें रिपीटिंग कैरेक्टर लगातार 2 बार से अधिक नहीं होना चाहिए और सक्सेसिव कैरेक्टर्स 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। सुरक्षा कारणों से सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट आदि को पासवर्ड के रूप में सेट करने की अनुमति नहीं है। रिन्यूअल से पहले या कार्ड को कैंसिल करने के बाद कार्ड को 4 भागों में काटकर अच्छे से नष्ट करना चाहिए। अगर आपने अपने कार्ड का उपयोग हाई रिस्क कंट्री में किया है तो अपने कार्ड को कस्टमर केयर से बात करके बदलवा लें। यदि कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर इसके पिन का खुलासा किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हो जाता है तो कृपया बैंक के प्रतिनिधियों को तत्काल सूचित करें। अपना क्रेडिट कार्ड किसी को ना दें, चाहे कोई खुद को किसी बैंक का प्रतिनिधि ही क्यों ना बताए। किसी को अपना कार्ड नंबर, समाप्ति की तारीख और CVV नंबर ना बताएं। अपने कार्ड का इस्तेमाल गेमिंग, पोर्नोग्राफी, लॉटरी, जुआ या असुरक्षित भुगतान वाली साइट्स पर ना करें। ATM पिन को कार्ड पे ना लिखें। किसी को भी अपने क्रेडिट कार्ड के आगे या पीछे की फोटोकॉपी ना दें, चाहे कोई भी कारण हो। रिक्त आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर ना करें, जो किसी एजेंट या बैंक प्रतिनिधि के द्वारा बाद में भरा जाएगा। अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते को किसी असुरक्षित पब्लिक कंप्यूटर पे ना खोलें। अपने क्रेडिट कार्ड को किसी असुरक्षित वेबसाइट पर उपयोग ना करें। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले हमेशा शीर्ष पर एड्रेस बार को नोटिस करें, जो कि HTTPS के साथ शुरू होता है और वहां एक क्लोज्ड गोल्डन पैडलॉक होता है। किसी भी असुरक्षित वेबसाइट पर अपने कार्ड का उपयोग न करें जिसमें लॉक सिंबल ना हो। ये चिन्ह इंगित करता है कि साइट आपके संवेदनशील डेटा के संचरण या ट्रांसमिशन के दौरान एक एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। किसी भी ईमेल या SMS के जाल में ना फंसें, जो आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग रहे हों। कभी भी उन ईमेल्स का जवाब ना दें जो आपकी पर्सनल जानकारी और कार्ड नंबर मांगते हों और बदले में बड़ी योजनाएं बता रहे हों। SSD USSD का मतलब है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये हर एक उपभोक्ता के लिए नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म यानी NUUP के द्वारा प्रदान किया गया एक छोटा सा कोड *99# के साथ बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका इस्तेमाल
₹5,000 तक का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। *99# NPCI एक USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाती है। पंजीकृत मोबाइल नंबर से *99# डायल करके एक ग्राहक सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकता है। ये सेवा सभी GSM सेवा प्रदाताओं और हैंडसेट पर काम करती है। इस सेवा को पाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? इसके लिए आपका बैंक अकाउंट, कोई भी फोन जो GSM नेटवर्क पर हो और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ, मेरे पास ये सब है, लेकिन मैं ये सेवा शुरू कैसे करूं? पहले अपनी बैंक की शाखा में जाओ और अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक करो। जल्द ही आपको UPI पिन या UPIN मिलेगा जिसे आपको याद रखना होगा। ये बहुत आसान है, मैं इसे जल्द ही शुरू करवा दूंगा। याद रहे, NUUP सेवाओं पर शुल्क लगेगा। हालांकि ट्राई ने प्रति ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा ₹1.50 निर्धारित की है। कोई भी एग्जैक्ट चार्ज की पुष्टि के लिए संबंधित दूर संचार सेवा ऑपरेटर से संपर्क कर सकता है। क्या आप USSD के लाभ बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। USSD साधारण और इस्तेमाल करने में आसान है। ये SMS से ज्यादा सुरक्षित है। ये हर GSM हैंडसेट पर काम करता है। इसको GPRS कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बहुत बढ़िया, लेकिन हम इस सुविधा से पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? ये एक बहुत साधारण प्रक्रिया है। अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक खाते से जोड़ें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से *99# डायल करें। ओके के विकल्प के साथ एक वेलकम विंडो खुलती है। ओके पर क्लिक करें। आपको विभिन्न भाषाओं की विंडो मिलेगी। उस पर क्लिक करके अपनी भाषा चुनें। बैंक विवरण के विकल्प वाला एक विंडो खुल जाएगा। आवश्यक विवरण दर्ज करें। इसके अलावा आपको दिए गए विकल्पों के निकट स्थित संबंधित नंबरों को दबाकर अपने बैंकिंग विकल्पों का चयन करना होगा। फिर अपना रेफरल कोड दर्ज करें या आप एक दबाकर इस विंडो को छोड़ सकते हैं और सेंड विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप अपने अनुसार पैसे भेजने का विकल्प चुनें। उसके बाद लाभार्थी का IFFC कोड दर्ज करें और फिर अगले विंडो में लाभार्थी की खाता संख्या दर्ज करें। फिर उस राशि को दर्ज करें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अंत में ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए अपना UPI पिन दर्ज करें। AEPS का अर्थ है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये सेवा एक बैंक ग्राहक को आधार का इस्तेमाल अपनी पहचान के रूप में करके संबंधित आधार से खुले बैंक खाते और मूल बैंकिंग लेनदेन करने का अधिकार देती है। ये बैंकिंग करेस्पोंडेंट BC या VLE की मदद से POS यानी माइक्रो ATM पर बैंक टू बैंक लेनदेन की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता अपने खाते को बैंक में अपने आधार नंबर के द्वारा या फिर BC या VLE की मदद से प्रारंभ कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी AEPS केंद्र पर बिना किसी पिन या पासवर्ड के काफी सारे लेनदेन कर सकते हैं। ये मजेदार लग रहा है। मुझे सेवा को शुरू करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। आप किस बैंक से जुड़े हैं इसकी पहचान करने के लिए IIN, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन के दौरान उंगली की छाप ली जाएगी। कृपया मुझे विभिन्न सेवाओं के बारे में बताइए जो AEPS के द्वारा प्रदान की जाती हैं।
AEPS निम्न प्रकार के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बकाया राशि की जानकारी, राशि निकालने, राशि जमा कराने, आधार से आधार में फंड ट्रांसफर कराने में, उचित कीमत की दुकानों में खरीदारी करने में। UPI का मतलब होता है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। ये प्रणाली उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का ये एक एडवांस वर्जन है। UPI 24 घंटे फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। ये फोन का इस्तेमाल करके उपभोक्ता की पहचान को प्रमाणित करता है। ये सभी 365 दिन 24 घंटे काम करता है। मैं इस सेवा का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको बस दो चीजों की जरूरत है। एक मोबाइल जिसमें UPI एप्लीकेशन यानी ऐप होना चाहिए और एक बैंक खाता। कृपया हमें बताइए कि ये किस प्रकार काम करता है। बेशक, ये एक साधारण 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है। पहले स्टेप में अपने बैंक का UPI ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद अपने नाम या फोन नंबर डालकर एक वर्चुअल ID बनाएं और अपने खाते के विवरण डालकर रजिस्टर करें। याद रखें, ये प्रक्रिया बस एक यानी पहली बार ही करनी होती है। अब दूसरे स्टेप में खरीदी जाने वाली वस्तुओं को अपने कार्ट में जोड़ें, फिर पेमेंट विकल्प पर जाएं और पेमेंट थ्रू UPI का चयन करें। व्यापारी को अपना वर्चुअल ID प्रदान करें। तीसरे स्टेप में ऑनलाइन खरीद के लिए आपकी मंजूरी मांगते हुए एक विंडो आपके मोबाइल के UPI ऐप में आएगी। सुरक्षा पिन दर्ज कराने के बाद सफल भुगतान की पुष्टि आपके फोन पर भेजी जाएगी। लेकिन क्या मुझे इस सेवा का उपयोग करने के लिए अपने बैंक डिटेल को शेयर करने की आवश्यकता है? नहीं, उपयोगकर्ता के नाम, बैंक खाता नंबर, IFSC या बैंक शाखा को साझा कराने की आवश्यकता को UPI ने समाप्त कर दिया है। इसने डेबिट कार्ड जैसे भौतिक उपकरणों के उपयोग को भी समाप्त कर दिया है। नेट बैंकिंग जैसे मल्टी स्टेप प्रक्रियाओं का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान एप्लीकेशन है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तुरंत और सुरक्षित प्रमाणिकता प्रदान करता है और कहीं भी शुरू किया जा सकता है। ये एक पूरी तरह कैशलेस डिजिटल समाज के लिए मार्ग खोलता है। चालान की तरह पैसे का अनुरोध भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उपभोक्ता बिल और स्कूल की फीस का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भी UPI का उपयोग कर सकता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए मुझे कौन सी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी चाहिए? आप भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा विकसित भीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से तेज, सुरक्षित और रिलायबल नकदहीन भुगतान को इनेबल करने के लिए एक पहल में भीम शुरू किया गया था। भीम UPI आवेदनों और बैंक खातों के साथ अंतः प्रचलित यानी इंटर ऑपरेबल है। क्या आप भीम ऐप के बारे में विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। भीम ऐप की विशेषताओं में शामिल है: एक, बैलेंस और ट्रांजैक्शन के विवरण की जांच; 2, QR कोड्स का इस्तेमाल करते हुए पैसा भेजना और प्राप्त करना; 3, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक के भुगतान के ट्रांजैक्शन की 24 घंटे अनुमति देना; 4, पेमेंट एड्रेस के माध्यम से पैसा भेजना और पैसे का अनुरोध करना, मोबाइल नंबर पर पैसा भेजना या उसके लिए अनुरोध करना; 5, मोबाइल नंबर MMID के माध्यम से पैसा भेजना, IFSC कोड खाता संख्या के माध्यम से धन भेजना; 6, भुगतान और स्कैन विकल्प का उपयोग करके मर्चेंट पेमेंट्स करना;
7. आधार संख्या पर पैसा भेजना। 8. किसी भी बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करना। 9. पैसा प्राप्त करने वाले का एडवांस रजिस्ट्रेशन और लाभार्थी के बैंक खाता संख्या की आवश्यकता नहीं है। 10. पैसों का ट्रांसफर तुरंत और कभी भी। भीम ऐप की कुछ सीमाएं हैं। एक समय में केवल एक बैंक अकाउंट जोड़ा जा सकता है। केवल 2 वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आभासी भुगतान पते की अनुमति है। डिफ़ॉल्ट रूप से पहले VPA आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। हम इस ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं? भीम ऐप को शुरू करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना होगा। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और भीम ऐप को सर्च करें। ऐप सूची से भीम ऐप का चयन करें और इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद भीम शुरू करने के लिए ओपन पर क्लिक करें। फिर अपनी भाषा चुनें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। दोबारा अग्रिम यानी सब्सिक्वेंट विंडो के नेक्स्ट टैब पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। फिर अपना पासकोड सेट करें और इसकी पुष्टि करें। इसके बाद सूची से अपने बैंक का चयन करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लिक करें। हम भीम ऐप का उपयोग पैसे भेजने के लिए कैसे कर सकते हैं? अपना VPA या बैंक विवरण का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए सेंड विकल्प पर क्लिक करें। लाभार्थी का VPA दर्ज करें। उसके बाद अकाउंट प्लस IFSC विकल्प पर क्लिक करें और फिर लाभार्थी के खाते का विवरण दर्ज करें। क्या हम भीम का उपयोग करके भी पैसे ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पैसे कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें। फिर से उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर या VPA दर्ज करें जिससे आप पैसा चाहते हैं। राशि दर्ज करें और रिक्वेस्ट टैब पर क्लिक करें। उसके बाद पेयर या भुगतानकर्ता को अपने स्मार्टफोन पर पेमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। भुगतानकर्ता भुगतान करने के लिए QR कोड का उपयोग भी कर सकता है। अपना पिन सेट करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करें। सबसे पहले बैंक अकाउंट विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद सेट UPI पिन विकल्प पर क्लिक करें। अंत में अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें और सबमिट करें। ई वॉलेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ई वॉलेट आपके निजी खाते से जुड़ा होना चाहिए ताकि आप भुगतान कर पाएं। इसका इस्तेमाल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसा ही है। ई वॉलेट को बढ़ावा देने के पीछे ये मकसद है कि कागज रहित धनराशि की लेन देन आसान हो जाए। आइए ई वॉलेट की विशेषताओं के बारे में जानें। ई वॉलेट एक तरह का प्रीपेड खाता है जिसके जरिए उपभोक्ता भविष्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए धन जमा रखता है। ये खाता पासवर्ड सुरक्षित होता है। उपभोक्ता किराने का सामान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इत्यादि में भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ई वॉलेट में 2 मुख्य घटक हैं, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर निजी जानकारी को स्टोर करके रखता है और संग्रहित जानकारियों को भी सुरक्षित रखता है। और दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन घटक उपभोक्ता की जानकारियों का डेटाबेस है। इसमें उनका नाम, पता, पेमेंट मेथड, भुगतान की राशि, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आदि शामिल हैं। ये दिलचस्प है, पर मैं ई वॉलेट का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत आसान है।
आपको बस अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर सभी जरूरी जानकारी देकर साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पैसे अपने ई वॉलेट में डालें। ऑनलाइन खरीदारी के बाद ई वॉलेट खुद ब खुद भुगतान फॉर्म पे उपभोक्ता की जानकारी दर्ज कर देता है। डिजिटल भुगतान होने पर ये जानकारी डेटाबेस में खुद ब खुद दर्ज होकर अपडेट हो जाती है। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। भुगतान प्राप्त करने के लिए हम ई वॉलेट का प्रयोग कैसे करें? व्यापारियों के लिए भी पहले 3 स्टेप वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल उपभोक्ताओं के लिए हैं। उसके बाद अपने आप को व्यापारी बताकर भुगतान प्राप्त करें। वाह, ये तो बहुत ही आसान है। क्या आप मुझे बताएंगी कि ई वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत होगी? हाँ बिल्कुल, आपको इन 4 चीजों की जरूरत होगी। एक बैंक खाता, एक स्मार्टफोन, 2G या 3G या 4G कनेक्शन और एक मुफ्त ई वॉलेट ऐप। SBI बडी एक ई वॉलेट है जिसे कुछ सरल चरणों का पालन करके डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और स्टेट बैंक बडी ऐप को सर्च करें। फिर ऐप डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल टैब पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप खोलें और अपनी भाषा का चयन करें। फिर साइन अप करने के लिए अपना विवरण दर्ज करें। उसके बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। फिर एक 4 डिजिट का पिन सेट करें और इसकी पुष्टि करें। अंत में ऐप के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट बटन को चालू करें और इसे सबमिट करें। अपना पिन दर्ज करके लॉगिन करें। अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए ऐड मनी विकल्प पर क्लिक करें। वो राशि दर्ज करें जिसे आप अपने वॉलेट में जोड़ना चाहते हैं। भुगतान का मोड चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड का विवरण दर्ज करके भुगतान कर सकते हैं। जनरेट OTP विकल्प पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें। इसी तरह पैसे भेजने के लिए सेंड मनी विकल्प पर क्लिक करें। फिर लाभार्थी के कॉन्टैक्ट नंबर को दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। वो राशि दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं और फिर कंटिन्यू करें। अंत में पिन दर्ज करें और पैसे भेजने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करें। ई वॉलेट का उपयोग करते समय कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है, जैसे मोबाइल सुरक्षा के लिए पासवर्ड और पैटर्न लॉक का उपयोग करें। किसी के साथ अपने ई वॉलेट प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल्स को साझा ना करें। अपने ई वॉलेट में ज्यादा अमाउंट लोड ना करें। कई मर्चेंडाइजिंग स्टोर अब भी ई वॉलेट को स्वीकार नहीं करते हैं। साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल सर्विसेज जैसे कार्ड्स, मनी ट्रांसफर ऐप्स, ई बैंकिंग सुविधा आदि का इस्तेमाल करते वक्त आपकी व्यक्तिगत जानकारी या डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रावधान है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा के अनाधिकृत उपयोग या अटैक से संबंधित सुरक्षा की तकनीक है जिसका उद्देश्य शोषण करना है। ICT के उपयोग में साइबर सिक्योरिटी आत्मविश्वास और सुरक्षा का निर्माण करती है ताकि सूचना समाज द्वारा विश्वास सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य खतरों और कमजोरियों को कम करना या उनकी रोकथाम करना है और घटना की प्रतिक्रिया, रिकवरी, डेटा एश्योरेंस, लॉ एनफोर्समेंट, सैन्य और खुफिया ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए नीतियों में जगह रखना है। साइबर सिक्योरिटी दुनिया भर में लगभग सभी नागरिकों को व्यावहारिक रूप से टच करती है।
ये मानव विकास के साथ साथ सूचना समाज यानी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में बेहतर एकीकरण प्राप्त करने में व्यापक अवसर प्रदान करती है। ये ज्ञान तक व्यापक पहुंच का साथ ही नीतियों और रणनीतियों के विकास के लिए भी समर्थन करती है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें कोई भी एक्शन करते वक्त सावधानी के लिए याद रखने चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि जब आप किसी वायरलेस कनेक्शन से कनेक्ट हों तो आप उचित नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, अन्यथा SSID के रूप में जाना जाता है। ऐसा ना माने क्योंकि नाम ऐसा लग सकता है कि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है। ऐसे पासवर्ड का उपयोग करें जिसमें अपर केस, लोअर केस लेटर्स और विशेष वर्ण हों। परिचित नाम या संख्याओं का उपयोग न करें, जैसे आपके परिवार के सदस्य, जन्मदिन आदि। डुअल या मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन का लाभ जरूर उठाएं। उदाहरण के लिए, कई वेबसाइट अब सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड से अलग ऐसे ऑफर देते हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड, पिन या यहां तक कि उपयोगकर्ता चयनित सिक्योरिटी इमेजेस जो कि लॉगिन पर पहचानते हैं। जब अन्य विकल्प उपलब्ध हों तो केवल यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग न करें। पासवर्ड की एक सूची सुरक्षित रखें और उन्हें कम से कम क्वार्टरली बेसिस पर यानी हर तीसरे महीने बदलें। एक ही पासवर्ड को लंबे समय तक न रखें। अपना कॉर्पोरेट पासवर्ड अपने व्यक्तिगत पासवर्ड से अलग रखें। अपने व्यक्तिगत पासवर्ड के लिए अपनी कंपनी का पासवर्ड इस्तेमाल न करें या इसका उल्टा। सुनिश्चित करें कि आपका कंप्यूटर लेटेस्ट पैचेस और वायरस सिग्नेचर से भरा हो। ऐसा ना मान लें कि वायरस का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हमेशा ही काम करता है। नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड करने और शेयर करने के लिए क्लाउड डेटा सिस्टम का उपयोग करें। अपनी अनुपस्थिति में अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा करने पर भरोसा न करें। अपने डेटा का बैकअप रिमूवेबल मीडिया में करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा ना समझें कि आपके डेटा को मेंटेन और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी और की है। अपने ईमेल्स सावधानी पूर्वक देखें और सुनिश्चित करें कि सोर्स हेडर किसी वैलिड एड्रेस से हो। अपने कंप्यूटर में मेलवेयर लोड करने वाली मैलिशियस यानी गलत वेबसाइटों के लिंक पर क्लिक कर शिकार होने से बचें। 10. एक प्रतिष्ठित साइबर सिक्योरिटी फर्म के साथ संबंध स्थापित करें। अपनी कंपनी को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं पर पहले से ही चर्चा कर लें। सलाह लेने के लिए किसी हादसे के होने का इंतजार न करें।